हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि बच्चों की डाइट में ये पांच चीज़ें आप ज़रूर शामिल करें जो कि बच्चे के पूरे विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो पांच चीज़ें कौन सी हैं और उन्हें किन तरीक़ों से पूरा किया जा सकता है। सबसे पहली है कैल्शियम। कैल्शियम बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो सबसे फर्स्ट चीज़ है। ये हड्डियों के विकास के लिए, दांतों के विकास के लिए, उनके नाखूनों के विकास के लिए और बालों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाए तो मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और हृदय रोग होने लगता है और हृदय रोग का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए बच्चे को दूध, पनीर, दही, पालक, ब्रोकली, टोफू, इन चीज़ों को देना चाहिए। दूसरी चीज़ है फाइबर। फाइबर तो हर उम्र के इंसान को लेना ही चाहिए, ये पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। इसके अलावा छोटी उम्र में बच्चों को फैट के खतरे से भी बचाता है। इसीलिए फाइबर में आप फ्रूट शामिल करें जैसे कि नाशपाति, एवोकेडा, सेब, ओट्स, ब्रोकली, नट्स। तीसरी चीज़ है आयरन। अगर आयरन की कमी बच्चों में हो जाए तो खून की कमी हो जाती है, एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, दिमाग की शार्पनेस कम हो जाती है। इसीलिए आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आपको हमेशा ही साबुत अनाज खिलाने चाहिए। इसके अलावा हरी सब्जियां खिलानी चाहिए, पालक, चुकंदर, अनार, इन चीज़ों को बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसी चीज़ है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, यानी कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। बच्चे हर एक माहौल में जाते हैं, हर एक चीज़ को हाथ लगाते हैं, इसीलिए बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम तो 100% शार्प होना ही चाहिए। बच्चे को विटामिन सी वाली चीज़ें आपने ज़रूर देनी है, जैसे कि संतरा, आंवला, कीवी, इन चीज़ों को बच्चे की डाइट में ज़रूर शामिल करें। और लास्ट है विटामिन डी। विटामिन डी भी ऐसी चीज़ है जो बच्चे की हड्डियों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपने क्या करना है, बच्चों को साबुत अनाज देनी है। इसके अलावा अंडा, मांस, मछली, इन चीज़ों में विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप बच्चे को सुबह मॉर्निंग की 5 से 10 मिनट की ही धूप ज़रूर दीजिएगा। ये पांच ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चों की डाइट में ज़रूर शामिल करें ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छे से हो सके। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पूछिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज़ बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।